आप देख रहे हैं इस समय चैलेंज ट्रॉफी 2023। तो आज का तीसरा मैच जिसकी तरफ हम रुख कर रहे हैं, ज़ियान स्पोर्ट्स मापोली बनाम हर्षित 11। देखिए खेलने वाली टीमों से रिक्वेस्ट है, आपको समय का पूरा ख्याल रखना है। समय की बर्बादी यदि आप करोगे तो निश्चित रूप से आपकी टीम को पेनलाइज किया जाएगा। डिसिप्लिन को हमेशा तवज्जो दी गई है चैलेंज स्पोर्ट्स द्वारा, और समय की तो कद्र करनी ही पड़ेगी, चाहे फिर क्रिकेट हो या फिर जीवन का कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो। इस वर्ण अतिरिक्त खेळाडू नाहीये, जर का आपला अतिरिक्त खेळाडू कमेंट्री बॉक्स मध्ये नसेल तर त्या संघाला पॅनलाइज केले जाईल याची आपण नोंद घ्यायची आहे। दोन धाव्यांनी पॅनलाइज केले जाईल। ऐसे लगता है कि ज़ियान 11 टीम तय नहीं कर पा रही है कि बाहर कौन बैठेगा, यानी कि 12th प्लेयर का रोल कौन अदा करेगा। कोड आहे सर प्रत्येकाला मेयर कपची, आणि ही जर्नी जी इथून सुरुवात झाली आहे ती प्रत्येकाला खेळावंस वाटते स्पर्धा, आणि त्या अनुषंगानं प्रत्येकाला वाटतं की ही स्पर्धा खेळावी खेळावी। म्हणूनच की काय एक्झॅक्टली अजूनपर्यंत ठरलं नाही की कोण येईल अतिरिक्त खेळाडू म्हणून, आणि फायनली कोण येते। तो खेल की शुरुआत होती हुई 12:09 पर पहली गेंद फेंकी जा रही है। स्ट्राइकिंग गेंद पर मयूर जोशी और नॉन स्ट्राइकर से इन पर है भावेश। पहली गेंद लेकर आकाश, और थोड़ी नीचे रहती हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर छकाया, और इसे बेच माननीय श्री नितिन पाटिल साहब का शुभागमन हुआ है। आपका बहुत बहुत स्वागत है चैलेंज ट्रॉफी 2023 में। विकेट नए सिरे से बनाई गई है तेजस, कल ही इस विकेट पर पहला मैच खेला गया, यानी कि चैलेंज ट्रॉफी से ही शुरुआत हुई है। और यह फुल टॉस है, इसमें विकेट का कोई रोल नहीं है, पिच कैसी भी हो इस तरह की गेंद मिलेगी तो फिर बड़ा स्ट्रोक लाजमी है। शानदार छक्का, जीवा जीवा आला है या पद्धति का चेंडू, तेवा तेवा संधि साधली है या मैदान पर बैटर ने, आणि चेंडू डायरेक्टली बाउंड्री च्या बाहेर। षटकार 6, तब संख्या 2 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 6 या अंकावर। दर्शकों को हम याद दिलाना चाहेंगे कि हर्षित 11 का ये दूसरा मैच है, आज सुबह का पहला मैच भी उन्होंने खेला था और जिसमें जीत दर्ज की थी। अल्ट्रा स्लो मोशन रीप्ले प्रिंस मूवीज़ की ये खासियत है, इंटरनेशनल लुक किसी भी टूर्नामेंट को देने का उनका प्रयास रहता है, और ख़ास तौर पर मेयर कप 2021 में जो टेलीकास्ट हमने देखा उसकी चर्चे दूर दूर तक हुए। इस बार बॉलर के बगल में से ड्राइव करने में कामयाब हुए हैं, अच्छी टाइमिंग के साथ खेला हुआ स्ट्रोक, लेकिन बाउंड्री पर फील्डर मौजूद जिसके चलते मिला है सिर्फ 1 रन। रन संख्या 7 बिना किसी नुकसान के। और इस बार सही तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए, बैकवर्ड ऑफ द स्क्वेयर शायद हवा में खेलना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन बल्ले की काफ़ी अंदर लगी, और आखिरकार अपना बल्ला भी देखते हुए भावेश। हालांकि भावेश पहले मैच में कुछ बड़ा योगदान नहीं दे पाए थे अपनी टीम के लिए, लेकिन अब एक बार फिर से उनको मौका मिला है। इसके बाद आज का चौथा मैच देखना मत भूलिएगा, ज़ार्ली स्पोर्ट्स और जोहान स्पोर्ट्स के बीच में। आकाश एक अच्छे गेंदबाज, लेकिन ओवर पिच गेंद हो, ऊंचाई ज़्यादा और लंबाई भी है, जितनी दूरी चाहिए थी उतनी मिली, और 6 रन। हाउस कॉर्नर की तरफ फील्डर निश्चित रूप से वहां पर इंटरेस्टेड नजर आ रहे थे, कैच के लिए कोशिशरत थे, लेकिन आखिरकार गेंद उनके सिर के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। ताकत है मयूर के पास, अच्छा खेले थे पहले मैच में भी मयूर,
शुरुआत धीमी की थी, लेकिन आखिर के ओवर्स में कुछ बड़े हिट्स लगाए थे उन्होंने। इस मैच में शुरुआत से ही आक्रामक रवैया, इस बार हल्के हाथों से टर्न किया है, बढ़िया फील्डिंग, एक ही रन मिलेगा मयूर को, रन संख्या 15 और इसके साथ ही ओवर समाप्त होता हुआ पहला। ये दमदार शुरुआत है तेजस, बहुत अच्छी शुरुआत मैं समझता हूँ हर्षित 11 के लिए। संगली शुरुआत अपन पाहता है सर, कारण षटक क्रमांक पहिले ते संपलाय आणि आतापर्यंत जे आधीच्या मॅच जर का आपण सर बघितल्या तर कुठे 2 ते 3 धावांपर्यंत पहिल्या षटकांमध्ये रोखलं जायचं, पण ही मॅच जर आपण बघितली ना तर कुठेतरी हर्षित 11 टीमकडून निश्चित रूपानं 15 धावांपर्यंत म्हणजे पहिल्या षटकामध्ये दुहेरी अंकामध्ये धावसंख्येने प्रवेश केला आहे, एक चांगली सुरुवात म्हणायला हरकत नाही आहे। और आप देखोगे तो थोड़ा सा रणनीति में बदलाव, पहली गेंद का सामना किया है इस मैच में मयूर ने, जबकि पहले राउंड का जो मैच था उसमें भावेश ने स्ट्राइक ली थी और शून्य पर आउट भी हुए थे, लेकिन इस मैच में मयूर ने स्ट्राइक ली। और पहले मैच में मयूर नाबाद रहे थे, 14 गेंदों में 19 रन बनाए थे, हालांकि वो बहुत तेज़ तर्रार पारी नहीं थी, लेकिन फिर मैच का नतीजा जब आप देखते हो तो पता चलता है कि कितनी महत्वपूर्ण पारी उन्होंने खेली थी। निश्चित रूपानं आणि मयूरजी पाटील साहेबांचं ही शुभागमन इथे होताना आपल्याला पाहायला मिळतं, वेलकम सुस्वागतम, आपलंही मयूरजी पाटील साहेब स्वागत आहे। षटक क्रमांक पहिले संपलंय, धावसंख्या 12, वसीमला आणलं गेलं आहे गोलंदाजी मार्ग पर, वसीम डिंडा या नावाने या गोलंदाजाला अंबाडी कवाड असोसिएशनने सर प्रसिद्धी दिली गेली आहे, त्या पद्धतीने गोलंदाजीही करताना या गोलंदाजाला आपण पाहिलं आहे वसीम डिंडा। अच्छे पेस के साथ गेंदबाजी करना पसंद करते हैं, पहली गेंद लक्ष्य पर, यॉर्कर लेंथ, अच्छे से खेला उसको एंड वक्त पर अपना बल्ला नीचे लाते हुए टर्न किया ऑन साइड में, अच्छे फॉर्म में नज़र आते हुए मयूर जोशी, 2 सिक्सर्स पहले ओवर में उनके बैट से निकले, इस समय 15 पर पहुंच चुके हैं। भावेश ने एक गेंद का सामना किया है, एक पर बैटिंग करते हुए स्ली पॉइंट लगाया गया है, आक्रामक सोच यहाँ पर ज़ियान स्पोर्ट्स की, लेकिन ये गेंद काफ़ी कमज़ोर थी, बच गए गेंदबाज वसीम। वसीम डिंडा अपन पाहता है चांगला गोलंदाज है सर, सातत्याने ग्रामीण क्रिकेट खेलता आम्ही त्याला पाहतो आहे, मग मापोली संघ जेव्हा जेव्हा अडचणीत सापडतो ना तेव्हा गोलंदाजीच्या जोरावर ही सामने जिंकतात, हे सातत्याने वसीमने दाखवून दिलं आहे, ती गोलंदाजी इथून मात्र त्याला आठवावी लागेल असं म्हणायला हरकत नाही आहे। जे हा ना सिर्फ वसीम बल्कि आकाश भी उनके एक प्रमुख बॉलर माने जाते हैं, हालांकि पहले ओवर में आकाश महंगे साबित हुए, तो अब उम्मीद है वसीम से है कि इस ओवर में वो वापसी कराए अपनी टीम को, विकेट छटकाए। वसीम डिंडा के सामने मयूर, ओ फिर से फुल टॉस, इस बार अपील और आउट, लेग बिफोर विकेट, फुल टॉस पर मिली है सफलता, विकेट टेकिंग डिलीवरी तो नहीं थी मेरे ख्याल से, लेकिन बल्लेबाज ने की गलती, ऑन साइड में खेलने का प्रयास, चूक गए और निराश होकर पेविलियन की राह पर निकल चुके हैं मयूर जोशी। क्षमता है, क्षमता है या वसीमकडे क्षमता है, आणि मयूर जोशी सारखा फलंदाज इथून मात्र सर बाद होतोय, जो प्रथमता फलंदाजी करण्याकरिता हर्षित 11 संघाकडून पोहोचला, कारण एक अपेक्षा असते प्रथम जाणाऱ्या फलंदाजांकडून, चांगली पारी त्याच्याकडूनही आपल्याला पाहायला मिळाली आहे, तब्बल एकंदरीत बघितलं तर वैयक्तिक 15 धावा आपण खेळून पारी साकारून तो परततोय, रिप्लेमध्येही आपण पाहिलं कशा पद्धतीनं विकेटचं पतन झालं आहे, त्याच्याकडून खास करून कौतुक करावं लागलं आमच्या प्रिन्स मूवीजचं, कारण जेव्हा या मैदानावर आपण मेयर कप सर पाहिला आणि तेव्हा जे लाईव्ह टेलिकास्ट केलं गेलं अक्षरशः संपूर्ण टेनिस क्रिकेट त्या लाईव्ह टेलिकास्टिंगच्या प्रेमामध्ये पडलं गेलं, कारण जेव्हाही मेयर कपला संध्याकाळी याला जय सर आमच्यासोबत किस्सा शेअर करत असताना की एक वेगळं वातावरण या मैदानामध्ये पाहायला मिळतं, आणि तेच लाईव्ह टेलिकास्ट करणे टीम आमची प्रिन्स मूवीजला आपण पाहताय, ज्यांच्याकडून रिप्लेही अगदी परफेक्टली पाहायला मिळालं आहे, वसीमनी सफलता तर सर मिळवून दिली या चेंडूवर। जी हाँ, विकेट मिला है, लेकिन मुझे लगता है कि वसीम भी उतने शायद संतुष्ट ना हो, हालांकि विकेट तो विकेट होता है, लेकिन जिस गेंद पर विकेट मिला है वसीम भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं गलतियां तो हो रही है, तो इस तरह की गलतियां वो दोहराना नहीं चाहेंगे, लेकिन ये क्रिकेट है, इसमें आपको फुल टॉस पर विकेट भी मिल सकते हैं, यॉर्कर लेन गेंदों पर चौके छक्के भी देखने को मिल सकते हैं, बड़ा ही खूबसूरत खेल है क्रिकेट का। नए बैट्समैन विशाल, ओ इस बार नो बॉल का इशारा, स्क्वेयर लेग अंपायर का हाथ बाहर निकला है, मेरे ख्याल से जो शॉट फाइन लेग की तरफ खिलाड़ी है वो सर्कल के बाहर थे गेंद डिलीवर होने से पहले, नियमों के अनुसार इस चैलेंज ट्रॉफी में पहली गेंद से लेकर अंतिम गेंद तक विकेट कीपर और बॉलर के अलावा 3 खिलाड़ी आपके सर्कल के अंदर होने ज़रूरी, और जो 3 थे उसमें से एक जो फील्डर है वो बाहर चले गए थे, तो ये बहुत अच्छी अंपायरिंग,
शानू कुरेशी स्क्वेयर लेग अंपायर की भूमिका में। रन संख्या 19 रनों पर पहुंचती हुई। निश्चित रूप में सर अखा दिवसा दर्जा दिला जातो आणि पंचांची जर ती जागा बघितली स्क्वेअर लेग अंपायर असेल किंवा मिन पंच नो बॉलचा इशारा दर्शवत आहेत। फ्री हिट आहे, एक संधी आहे, तिथून संपूर्ण मैदानावर लक्ष ठेवताना पाहायला मिळतात आणि हे गरजेचं आहे या क्रिकेटमध्ये। भावेश के पास स्ट्राइक, हार्ड हिटर माने जाते हैं, लेकिन क्या बढ़िया गेंद, यॉर्कर लेंथ, और ये उम्मीद आप करते ही हो वसीम डिंडा से कि वो यॉर्कर्स डाले। पहली गेंद भी उनकी यॉर्कर थी इस ओवर की। अब फ्री हिट गेंद जब होती है तो ज़्यादातर हम देखते हैं गेंदबाजों को या तो यॉर्कर के लिए प्रयास करते हैं या फिर स्लोवर डिलीवरी, और फ्री हिट गेंदों पर बहुत बड़ी शॉट्स लगते नहीं है। एक आसिफ बता रहे कि कल भी कुछ फ्री हिट हुई थी उस जिसमें एक ही गेंद पर छक्का लगा था। एक और सही सटीक गेंद, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर बीट किया बैट्समैन को। मज़ा आता है वसीम जैसे गेंदबाज को गेंदबाजी करते हुए देखने में, जिस तरह से वो दौड़ते हैं एक रिदम उनके पास नज़र आता है, और जब अच्छे लय में होते हैं वसीम जैसे गेंदबाज तो फिर सामने कितना भी बड़ा बल्लेबाज क्यों ना हो उनके विरुद्ध तेज़ गति से रन्स बनाना हमेशा मुश्किल। थर्ड मैन फाइन लेग दोनों सर्कल के अंदर, एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी सर्कल के अंदर, अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, कहीं ना कहीं दबाव में नजर आते हुए विशाल तीन गेंदों का सामना किया है और सिर्फ एक रन बना पाए हैं। ओवर समाप्त हुआ वसीम डिंडा का, दो ओवर की समाप्ति, रन संख्या है 20, एक विकेट के नुकसान पर। आज का यह तीसरा मैच हर्षित 11 टीम, पहले बल्लेबाजी करती हुई जियान स्पोर्ट्स मापोली टीम के विरुद्ध। पहले षटक सर जर का अपन बघितले तर 15 धावा कन्वर्ट झाले आणि फक्त आणि फक्त या षटकामध्ये 5 धावा कन्वर्ट करून गेल्यात, त्यात एक विकेटही पाहायला मिळतोय। असं कदाचित मापोली संघाने आता विचार केला असेल की कुठेतरी वसीमला पहिले षटक आपण का हाताळायला दिलं नाही आहे। यस, वसीम चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली आणि अजय सर म्हणाले की वसीमसारख्या गोलंदाजाला गोलंदाजी करत असताना ती गोलंदाजी बघायला खूप भारी वाटतं किंवा चांगलं वाटतं। नेक्स्ट मॅच आपल्या भेटीला येताना पाहायला मिळेल चार्ली स्पोर्ट्स विपक्षात, जो वो टीम कॅप्टन्स आपण रिपोर्टिंग करायचं आहे, ही विनंती आम्ही तुम्हाला करतोय। चार्ली स्पोर्ट्स आणि सुवान टीम कॅप्टन आम्हाला आपण रिपोर्टिंग करायचं आहे, थँक्यू। दो ओवर का खेल समाप्त हुआ है और 10 मिनट में दो ओवर्स पूरे किए गए हैं, यानी कि ओवर रेट बिल्कुल सही चल रहा है। 20 for 1 आफ्टर 2 ओवर्स हर्षित 11, और अब गेंदबाजी में परिवर्तन। दिगंबर आए हैं, उनकी पहली गेंद को टर्न किया है लॉन्ग लेग पर, वहां पर फील्डर पहुंचे जरूर थे लेकिन गेंद को रोक नहीं पाए, और ये 4 रन। इस तरह के फील्डिंग की उम्मीद नहीं होती है खासतौर पर इस तरह के टूर्नामेंट में। एफर्ट अच्छा था, पहुंचे भी थे, बहुत दूर से पहुंचे थे फील्डर, लेकिन अंतिम क्षणों में गलती हुई। थोड़ी चूक इतर मात्र सर होता अपना पहाय मिले, चुकार अपन कन्फर्ट होता पहात है, पता मनाल हरकत नहीं है, वसीम शाह पावलार पावल गोलंदाजी करावी लगे। इस बार बल्लेबाज से दूर रखने में कामयाब, गति में हल्का सा परिवर्तन, ये चतुराई भरी गेंद थी। बैट्समैन जिस तरह से अपने आप को लाइनअप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो ऑन साइड में खेलने का ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, उस चीज़ को भांपते हुए ये गेंद की गई थी दिगंबर द्वारा। दिगंबर का ये पहला ओवर, इस बार छोटी गेंद स्लैश किया है और फील्डर से दूर 4 रन। बेहतरीन स्ट्रोक, डीप पॉइंट की दिशा में फील्डर जरूर थे लेकिन थोड़े सामने की तरफ थे, इन फ्रंट ऑफ स्क्वेयर थे, वेट करते हुए गेंद को आने दिया और उसके बाद उस पर प्रहार किया है, बहुत ही लाजवाब चौका। पहला चेंडूवर चौकार पाहायला मिळाला, अत्यंत निर्धाव फेक आणि पुनः एकदा चौकार इथून मात्र पाहायला मिळाला भावेश कडून। गोलंदाज सय्यार दिगंबर, हा बॉल पहा कन्वर्ट करण्यामध्ये थोडासा त्रास उद्भवला गेला, पंच इशारा पोहोचवतील लेग बायच्या स्वरूपात एक धाव आणि धाव संख्या एकेरी धावेने वधारेल, जाऊन पोहोचेल ती म्हणजे 4 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 29-29। आज का पहला मैच यदि हम बात करें तो उसमें अभी ज़्यादा बड़ा टोटल नहीं बना पाई थी हर्षित 11,
51 रन बनाए थे और उसके बावजूद भी मैच जीता था और अच्छे अंतर से वो मैच जीता था उन्होंने। गेंदबाजी बहुत ही दर्शनीय रही थी। इस मैच में देखना है कि कितना स्कोर उनके बल्लेबाज खड़ा कर पाते हैं। एक और अच्छी गेंद, अंतिम क्षणों में थोड़ा एडजस्टमेंट दिखाते हुए वहां पर बल्लेबाज मोड़ दिया गेंद को और सिंगल लेते हुए। विशाल की पारी जरूर थोड़ी धीमी है लेकिन विशाल से उम्मीद होती है, विशाल स्ट्रोक्स की। भावेश दो चौके लगा चुके हैं, टीम का स्कोर 30 रन। तो इसी रफ्तार से खेलेंगे तो 60 रन जरूर बन सकते हैं, 60 से थोड़े अधिक रन बन सकते हैं। अच्छी गेंद, उतना ही बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव, बढ़िया क्रिकेट, बहुत ही अच्छा क्रिकेट। दो रन पूरे, अच्छी गेंद पर अच्छा शॉट, और इस तरह का क्रिकेट दर्शक देखना पसंद करते हैं। तो इस तरह से एक और ओवर की समाप्ति, 3 ओवर के पश्चात स्कोर है 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर, हर्षित 11। देखिए सर, दुसरा षटक थोडंसं कमी आहे पण या कमी धावांचं पाहायला मिळालं, पण या षटकामध्येही 12 धावा। आता बघण्यासारखं असेल की महापौली संघ कोणाला गोलंदाजी करण्याकरिता आमंत्रित करतं, धावा रोखायच्या आहेत। पेयवाहक पोहोचत आहेत, पेय विश्रांती, खऱ्या अर्थानं पेयवाहक जरी पेय घेऊन पोहोचला ना तरी एक संदेश आलेला असतो पवेलियनमधून, तो संदेश फलंदाजांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम इथे करताना पाहायला मिळतात। मग अगेन सर, वसीमला आणले गेले गोलंदाजी मार्गवर, सांघिक दुसरं आणि वैयक्तिक पहिलं षटक हाताळताना 5 जावा, 1 गड्याच्या मोबदल्यात ज्यांनी खर्च करून दिल्या होत्या त्याच गोलंदाजाला इथे मात्र आमंत्रित केले गेले। आता मात्र खऱ्या अर्थानं असं वाटायला सुरुवात होईल कुठेतरी की अशा अपेक्षा आकांक्षा आता मात्र वसीमकडून महापोली संघाच्या वाढल्या असतील। अगले मैच के लिए तैयार रहना है जार्लिस स्पोर्ट्स के कैप्टन और जोहान स्पोर्ट्स के कैप्टन, टॉस के लिए आपको बिल्कुल रेडी रहना है। थोड़ी दिक्कत यहाँ पर गेंदबाजी में मैं समझता हूँ जियान स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि उनके फ्रंट लाइन बॉलर आकाश महंगे साबित हुए हैं। तो ये भी एक रोचक देखने वाली बात रहेगी कि क्या आकाश को दूसरा ओवर दिया जाएगा। बहरहाल वसीम को आक्रमण पर जारी रखा जा रहा है, जो कि अभी तक के खेल में सबसे बेहतरीन बॉलर नज़र आए हैं इस पारी में। पहले ओवर में 5 रन देकर 1 विकेट उनके खाते में। इस वसीम लांडले गेले गोलंदाजी मार्ग पर आपण पाहताय, गोलंदाज तैयार होतोय षटकातील पहिला चेंडू, स्विच इट केले गेला, या चेंडूला धाडले गेले बाउंड्री लाइनच्या दिशेने, काय होईल या चेंडूवर, आणि यस वसीमचं स्वागत केले गेले इथे मात्र चौकारानं, चेंडू सीमारेषा पार, चौकार 4। बहुत बेहतरीन इम्प्रोवाइजेशन, वसीम को शायद ये उम्मीद नहीं थी कि उनके विरुद्ध इस तरह का स्ट्रोक खेला जाएगा। थर्ड मैन का खिलाड़ी सर्कल के अंदर है और वहाँ पर बड़ा गैप था, एक खिलाड़ी जो है वो डिप कवर पॉइंट पर है, तो बहुत बड़ा गैप था, उसी गैप में से निकाला। बहुत ही अच्छा रचनात्मक स्ट्रोक और चौके से इस ओवर की शुरुआत। इस बार कदमों का थोड़ा सा इस्तेमाल ज़रूर किया था लेकिन बढ़िया गेंद वसीम के विरुद्ध। जैसे कि हमने पहले ओवर में भी उनकी चर्चा की थी कि इतना आसान नहीं होता है बड़े शॉट्स खेलना। अच्छी वापसी करते हुए और वसीम को यदि अच्छा खेल लेंगे बल्लेबाज तो निश्चित रूप से फिर जो आने वाले गेंदबाज भी रहेंगे उनके ऊपर मुझे लगता है कि दबाव हो सकता है। बहरहाल स्कोर 36, 36 रन। फिर से आगे निकले, इस बार प्रश्न पूछा जा रहा है लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। दो रन की कोशिश में थे नॉन स्ट्राइकर से, इन पर थोड़ा बैकअप भी किया था बैट्समैन ने लेकिन वापस लौटना पड़ा क्रीज में। लेग 22 का इशारा अंपायर फारूक बड्डी द्वारा। स्कोर अब 37 रन, एक ही विकेट गिरा है, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है, एक प्लस पॉइंट जो माना जाता है कि आपके पास विकेट्स है डेथ ओवर्स में हाथ में तो आप निश्चित रूप से खुलकर खेल सकते हो। निश्चित रूप सर, जर आपण आधी बघायचं झालं तर अपील करायच्या नादामध्ये चेंडू कलेक्शन करणं थोडंसं विसरले गेले, एक धाव कन्वर्ट केली गेली त्यामार्फत। राउंड द विकेट से इस बार बॉलर की दिशा में, ओहो अंडर आर्म थ्रो, रनआउट का मौका पहले प्रयास में गवाया, दूसरे प्रयास में भी कुछ फ़ायदा नहीं उठा पाए और बैट्समैन आखिरकार सुरक्षित। लेकिन बहुत बढ़िया वापसी, पहली गेंद पर चौका लगने के बाद हाथ खोलने के लिए जगह नहीं दे रहे हैं वसीम। कल करे सो आज करे सो, पहिल्याच प्रयत्नामध्ये जर का प्रयत्न केला असता तर कदाचित रनआउटची विकेट सर आपल्याला इथून पाहायला मिळाली असती। हा मौका जरूर था वहां पर। इस बार क्लीन बॉल्ड, गेंद अंदर डंडा बाहर, बैट्समैन को भी जाना होगा मैदान से बाहर, दूसरी सफलता अपनी टीम को दिलाते हुए वसीम डिंडा।
यस कम बॅक वसीम डिंडा इज बॅक असं म्हणायला इथून मात्र आता हरकत नाही आहे, करून दाखवलंय. जरी स्वागत केलं गेलं ना त्याचं या चौथ्या षटकामध्ये चौकारानं, तरी मात्र करून दाखवलंय सर. जबरदस्त गोलंदाजी इथून आता हाताळतोय आपल्या भारतातील फक्त 5 चेंडू आत्तापर्यंत त्यांनी फेकून काढले आहेत, आणि जो विकेट टिपला गेला डायरेक्ट यष्ट्या उद्ध्वस्त करणारा चेंडू इथून सर डिलिव्हर केला. खूप कठीण असतं कारण क्रिकेट सुधारलं गेलं, फलंदाजी तितकेच चाणक्य आपल्याला होताना आपल्याला पाहायला मिळत. खूप कमी विकेट्स आता सध्या तरी या पद्धतीने पाहायला मिळतात, पण वसीमनी आज करून दाखवलं. न्यू बॅटर अमोल मैदानाच्या दिशेने. और वसीम के इस ओवर में हमने देखा है कि बल्लेबाज गेंद डिलीवर होने से पहले बहुत ज़्यादा हलचल करते हुए नज़र आए और उनके फुटवर्क को सही तरह से पढ़ते हुए गेंदबाजी कर रहे हैं वसीम डिंडा. एकमात्र सफल गेंदबाज इस पारी में जियान स्पोर्ट्स महापोली की ओर से अभी तक. स्कोर इस समय 37-2. चौथे ओवर में एक गेंद शेष. वसीम के स्पेल की आखिरी गेंद. सामना करेंगे नए बैट्समैन अमोल तरे. धुआंधार बैटिंग की थी पिछले मैच में, एक ही ओवर में 4 छक्के जड़े थे. 25 रनों का योगदान दिया था अमोल ने. इस बार लॉफ्टेड शॉट सामने की तरफ, फील्डर बहुत दूर, मिस टाइम कर बैठे थे. हालांकि अमोल इसी तरह के शॉट्स खेलने के लिए जाने जाते हैं, वो ताबड़तोड़ अंदाज में रन्स बनाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा किस्मत का साथ मिला कि गेंद फील्डर तक कैरी नहीं हुई. सिंगल के साथ वसीम डिंडा का स्पेल समाप्त होता हुआ. बहुत बेहतरीन गेंदबाजी रही उनकी. ये देखिए, जहाँ खेलना चाहते थे वहाँ खेल नहीं पाए थे, सामने गेंद ट्रैवल कर रही थी. स्कोर हुआ है 4 ओवर्स के बाद 38 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. और वसीम का बॉलिंग एनालिसिस, 2 ओवर्स 11 रन देकर 2 विकेट. जबरदस्त गोलंदाजी आतापर्यंत हाताळतोय वसीम. आता वसीम नंतर कोणावर जिम्मेदारी दिली जाईल हे सर पाहणं खूप गरजेचं आहे, कारण जेव्हा जेव्हा वसीम आला आहे तेव्हा तेव्हा कुठेतरी थोडासा धीर मापोली संघाला आपल्याला पाहायला मिळाला आहे गोलंदाजीच्या मार्फत. कारण पहिलं षटक आकाशामार्फत बघितलं तर 15 धावा कन्वर्ट केल्या गेल्या, वसीम आल्यानंतर फक्त 5 धावा, आणि तदनंतर पुनश्च एकदा दिगंबरा दिल्यानंतर पुनश्च एकदा दुहेरी अंक म्हणजे 12 या आकड्यावर धावफलक जाऊन बघितलं पोहोचलं गेलं. पण वसीमनी त्याला मात्र कुठेतरी सावरलं गेलं. आतापर्यंत 4 षटकं संपले, धावसंख्या 38-38 या अंकावर धावफलक जाऊन पोहोचलंय आकाश. ज्यांनी पहिलं षटक सर हाताळलं होतं आणि वैयक्तिक पहिलं षटक, सांघिकी पहिलं षटक, पण आता मात्र सांघिक 5 आणि वैयक्तिक दुसरं षटक हाताळण्याकरिता आकाशला आणलं गेलंय, ज्याच्या चेंडूलाही आकाश सातत्याने दाखवण्यात आला, एक दुसऱ्या चेंडूवर आणि एक 5व्या चेंडूवर. आता मात्र त्या चेंडूंना रोख लावला जाईल का आकाशकडून, कारण पहिल्या षटकामध्ये चुका झाल्या त्या कुठे ते रोखताना पाहायला मिळेल का. आकाश जिस तरह के गेंदबाज है आप ये उम्मीद जरूर कर सकते हो कि इस ओवर में वो वापसी करेंगे. और पहली गेंद डॉट खाली चली गई है, बैट्समैन ने खेलने की कोशिश नहीं की. अमोल को शायद लगा कि ये वाइड होगी लेकिन नई लाइन के अंदर थी. जी हाँ, अंपायरिंग का जो स्टैंडर्ड हमने देखा है कल से, बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया डिसीजंस अंपायर्स के रहे हैं. इस बार बिल्कुल सामने की दिशा में लॉफ्टेड शॉट खेला है और दो खिलाड़ियों के दरमियान से स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, वन बाउंस इनटू द फेंस, 4 रन. सरळ बॅट नी फटका कन्वर्ट केला गेला आणि गुरुवर्य धर्मवीर आनंदिके साहेबांच्या फ्लेक्स जवळून हा चेंडू ट्रॅव्हल झाला, ज्यांना खऱ्या अर्थानं ठाणे जिल्ह्याचं सम्राट, ठाणे पालघर जिल्ह्याचं सम्राट म्हणून ओळखलं जातं, ज्यांच्या पदस्पर्शाने हे मैदानी सर पावन झालं आहे. गुरुवर्य धर्मवीर आनंदिके साहेबांच्या फ्लेक्स जवळून हा चेंडू ट्रॅव्हल होतोय, चेंडू जातोय चौकार 4. लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, दोनों फील्डर्स कोशिश में थे कि गेंद को रोका जाए लेकिन मौका नहीं था. दोनों को चीरती हुई गेंद मैदान के बाहर. पावरफुल स्ट्राइकर है टेनिस क्रिकेट बॉल के अमोल. इस बार गेंद शरीर पर लगी है, अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे. एक रन जरूर मिला है लेग बाइस का इशारा अंपायर शानू कुरेशी द्वारा. स्कोर में बढ़ोतरी और स्कोर अब पहुँच चुका है 43-43 रन. आज 50 के इर्द गिर्द स्कोर घूम रहा है. कल पहले ही मैच में 77 रन बने थे जो कि चेज भी हुए थे. म्हणूनच की काय मैदानाचं नाव चॅलेंज आणि सातत्याने चॅलेंज स्वीकारावे लागतात या मैदानावर. इस बार बाउंस थोड़ा सा कम था गेंद में. क्रॉस बैटेड शॉट, डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है, सेफ है वहां पर. सेफ कडून फेक पाहायला मिळाली सर. फेक कुठल्या ठिकाणी करणं, योग्य ठिकाणी करणं ही ओळखणं खूप गरजेचं आहे. सेफकडून ते पाहायला मिळालं. तशी या यष्टीरक्षकडे फेक झाली, धावायला कुठेतरी मात्र विश्रांती इथून मात्र मिळाली. एक धाव धावसंख्या 44.
स्ट्राइक अब अमोल के पास, इस बार हवा में खेला है और फील्डर से दूर, लेकिन फिर से सैफ पहुंचे। बहुत ही सेफ फील्डर है, बहुत अच्छे फील्डर है सैफ कुरेशी। एक ही रन लेने का मौका, रन संख्या 45 पर पहुंचती हुई। अच्छा घट रहा है आकाश का ये दूसरा ओवर। पहले ओवर में जो गलतियां की थी वो दोहराई नहीं है उन्होंने। पहले ओवर में 15 रन दिए थे, इस ओवर में एक चौका ज़रूर लगा है, लेकिन उसके अलावा काफ़ी नफी तुली लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी। ओवर की अंतिम गेंद, ओह इस बार बहुत लेट रियलाइज़ किया था बैट्समैन ने कि धीमी गति की गेंद है, और किसी तरह से उसको खेलने में कामयाब रहे। एक तेज सिंगल भी इसके साथ ही पूरा किया गया। अब जाकर ओवर की समाप्ति, 5 ओवर का खेल पूरा होता हुआ हर्षित 11 की पारी में। स्कोर हुआ है 46 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। इस षटक क्रमांक इथून मात्र 5 संपले गेले, धावा संख्या 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलक आहे 46 46 या अंकावर सर। 23 मिनिटांमध्ये तब्बल 5 षटक इतक्या मध्ये कंप्लीट केली गेलेत। फास्ट क्रिकेट होताना पाहायला मिळतं, कारण टायमिंगचाही विचार इथून केला जाईल आणि प्रत्येक गोष्ट नोंद केली जाते, कारण प्रतिभा विलास पाटील जी मेयर कप आपल्याला पाहायला मिळतं त्याकरिता ही जर्नी। म्हणून आम्ही सातत्याने म्हटलं, जरी शेवटचं सेशन मेयर कप जरी असलं तरी या स्टेशनवरून म्हणजे कालच्या दिवसापासून ट्रेन निघाली आहे, तिथपर्यंत जर पोचायचं असेल तर मग तिकीट कॅरी करणं अनिवार्य आहे, सूचनेचं पालन करणं हे अनिवार्य आहे। वेळेच्या बाबतीतही तुम्हाला इथून आता सहकार्य निश्चित रूपानं करावं लागेल। आणि 23 मिनिटांमध्ये तब्बल षटकं पूर्ण करतात 5 शिवटच्या अंतिम एक षटकाचा केशेष। और कितने रन आप एक्सपेक्ट कर रहे इस आखरी ओवर में? सर तसं तर क्रिकेट आहे आणि क्रिकेटमध्ये अंदाज लावणं, पण डेफिनेटली मला तरी सर कदाचित वाटतं की 50+ धावसंख्या जाऊ शकते। आव्हान मापोलीकरांना 50+ कदाचित मिळू शकतं, कारण धावसंख्या आतापर्यंत 46 आहे। आखरी ओवर लेकर आराम पटेल, पहली गेंद जोर लगाया जरूर था, पटका था थोड़ा सा गेंद को, लेकिन दिशाही ने वाइट से शुरुआत। आव्हान जर कमी पाहिजे असेल किंवा आव्हान जर कमी धावांचं पाहिजे असेल तर या चेंडूंवर रोक लावणं सर खूप गरजेचं आहे। खेळपट्टी आपण पाहताय ज्या पद्धतीने म्हटलं की सर नवीन खेळपट्टी बनवली गेली आणि या कालच्या दिवसापासून त्या खेळपट्टीवर खेळायला खऱ्या अर्थानं सुरुवात झाली। खेळपट्टी आपण पाहू शकताय एक दर्जा याही खेळपट्टीचा आपण पाहताय निश्चित रूपानं। एक हिरवं ग्रास ही मैदानावर म्हणजे आमच्या खेळाडू नाही त्रास थोडासा कमी इथून होताना मात्र पाहिले मी। क्रिकेट बहुत बदला आहे पिछले कुछ सालों में। ऐसे भी चकली गेंद और पुल करना चाहते थे फिर से ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर, एक और दिशाहीन गेंद। ये अच्छी शुरुआत नहीं है अरहम के लिए, दो लगातार वाइट गेंदे, रन संख्या 48। विपणी क्रिकेट जेव्हा जेव्हा आकार घेत होतं किंवा बदलत होतं तेव्हा सातत्याने एक नाव आपल्या मुखामध्ये जरूर ऐकायला मिळते म्हणजे विलासार पाटील साहेब, ज्यांनी क्रिकेटसाठी काही पण या तत्वावर हे काम करणारे व्यक्तिमत्व आहे। आजही जर आठवण म्हणून पाहिजे असेल तर चॅनल स्पोर्ट्सच्या क्लबमध्ये जा, तिथे ॲल्बम्स आहेत, कारण आम्ही ते पाहिले आहेत आणि खऱ्या अर्थानं कसं क्रिकेट बदलत गेलं ते आठवणी अजूनही तिथे मात्र पाहायला मिळत आहेत। रफ्तार जरूर है आरम के पास लेकिन नियंत्रण का अभाव है, और ये लगातार अब तीसरी वाइट गेंद, अब तो हद ही हो गई, 3 वाइट गेंदे। मग असंच म्हणायला हरकत नाही सही आहे सर की फुकटच्या गोळीनं पण 3 धावा इथे मात्र मिळाल्या टीम हर्षित 11 संघाला। देखिए एक तेज बॉलर की काफ़ी मेहनत होती है एक गेंद करने के लिए, बहुत ऊर्जा आपकी ज़ाया हो जाती है, लेकिन इस तरह से जब आप अतिरिक्त रन करते हो तो फिर मेहनत आपकी और मलाई खा जाते हैं बल्लेबाज। 3 रन तोहफे के रूप में मिले हैं। जो बदलाव की मैं बात कर रहा था, विकेट्स में बदलाव हम देख रहे हैं। पहले तो केवल मिट्टी के विकेट्स रहते थे लेकिन आजकल कॉन्क्रीट विकेट और डाम्बर विकेट जो कि यहाँ पर वो टार विकेट हमें देखने को मिल रही है, तो तरह तरह के विकेट्स होते हैं। इस बार अपील और आउट, आरम की वापसी, उल्टा स्ट्रोक खेलने का प्रयास वहाँ पर बैट्समैन द्वारा, और विशाल को जाना होगा पेविलियन में। विकेट गिरता हुआ तीसरा, विकेट क्रमांक तीसरा पतन झालंय कदाचित। आरम याच चेंडूच्या शोधात होता की काय 3 वाईट पाहायला मिळाले आणि तदनंतर मात्र सर विकेटचं बदल होताना आपल्याला पाहायला मिळेल। और जिस तरह से रन्स आपको तोहफे के रूप में मिल रहे थे, इस तरह के उलझुल स्ट्रोक्स की शायद कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन थर्ड मैन ऊपर है वो जो एक टेम्पटेशन रहता है, कई बल्लेबाजों को हम देखते हैं उस फील्डर्स के बगल में से खेलने का प्रयास रहता है, लेकिन केवल किनारा लगा, मेन सा किनारा था, अच्छा कैच विकेट कीपर द्वारा। नए बैट्समैन आए हैं अजय, एक बलशाली बल्लेबाज,
अमोल तरे नॉन स्ट्राइकर से एंड पर, दोनों भी हार्ड हिटर्स, और अमोल ने तो प्रभावित किया पिछले मैच में, खासतौर पर जो चार छक्के एक ही ओवर में उन्होंने जड़े थे आस्तिक के विरुद्ध, कमाल की बैटिंग की थी। सामने भी अच्छा खेलते हैं और स्पेयर ऑफ द विकेट भी बढ़िया खेलते हैं। हमारे बीच मिस्टर संदीप घरत साहब का शुभ आगमन हुआ है, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। ओ, इस बार अच्छा उछाल प्राप्त किया था, लेकिन फिर वही गलती जो शुरुआत में कर रहे थे, वाइट गेंद। सर अपन समालोचना की शैली ऐकली, फलंदाजी शैली ऐकली, पण फारूक बर्डी सरांना बघितलं, वाइट चेंडू जसा डिलिव्हर होता ना एक वेगळ्या शैली मध्ये ते दर्शवतात। सर म्हटलं ना 50 पर जाण्याची कदाचित शक्यता आहे आणि धावसंख्या ही 50 या अंकावर धावफलक जाऊन पोहोचले। जहा फारूक बर्डी जब भी मैदान में होते हैं तो उनकी स्टाइल की चर्चा जरूर होती है। एक माइलस्टोन, जो पहला माइलस्टोन है वो तो पूरा कर लिया है बल्लेबाजी करने वाली टीम ने, अब की बार केवल सिंगल लेने का मौका। अच्छा पेस है, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं आरहम के पास, और यदि अच्छे नियंत्रण के साथ गेंदबाजी करेंगे, सही टप्पे पर करेंगे, तो फिर निश्चित रूप से दिक्कतें पेश कर सकते हैं बल्लेबाजों के लिए। जो युवा खिलाड़ी होते हैं उनको ग्रूम करने की आवश्यकता होती है, और इससे अच्छा मंच आपको नहीं मिलेगा भिवंडी क्रिकेट में। निश्चित रूपाने सर प्रत्येकाचं स्वप्न आणि त्या स्वप्न, कारण आपण सर सातत्याने म्हणतो ना जशी स्वप्नांची मायानगरी मुंबई आहे। नेक्स्ट बॉल, हा स्ट्रोक जरूर चांगला आहे सर, बॅटनी फटका होईल कन्वर्ट, जेल झालाय ड्रॉप, जज करताना थोडस बंबलिंग होताना पाहायला मिळालं क्षेत्ररक्षकाकडून, जेल ड्रॉप झाला, एक संधी मिळतीय, धावा कन्वर्ट होतील त्या संधीचा फायदा घेऊन दोन। सर आम्ही सातत्याने म्हटलं की एवढं मोठं मंच इथे मात्र मिळालंय, ज्या पद्धतीनं स्वप्नांची मायानगरी मुंबई आहे त्या पद्धतीने क्रिकेटची मायानगरी काय आहे, तर भिवंडी नगरी म्हणजे क्रिकेटची मायानगरी आहे, आणि त्या मायानगरीचं हृदय म्हणजे हे चॅलेंज मैदान आज आपल्याला इथे मात्र इव्हन ट्रॉफी या चॅलेंज मैदानावर पाहायला मिळतीय। जे हा, हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड से आप सभी का हार्दिक स्वागत एक बार फिर से चैलेंज ट्रॉफी 2023 में। तीन गेंदे पारी में शेष, एक बार फिर से चले आरहम पटेल, और तगड़ा प्रहार करने की कोशिश, कुछ गेंदे नीचे भी रही है, बहुत अधिक जो उछाल है वो कम नहीं है, लेकिन कुछ मौक़ों पर हमने देखा है कि हल्का सा कम उछाल रहा है, और ये खासियत रही है चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड के विकेट की। जो पुराना विकेट था उसमें भी हम देखते थे, हालांकि उसमें ज़्यादा होता था, खासतौर पर स्लाइटली फुलर लेंथ गेंदबाजी जब होती थी तो वहाँ पर बहुत गेंदें नीचे रहती थी, लेकिन इस विकेट में हालांकि उतना कम उछाल तो नहीं है, और अभी तक तो बहुत अच्छा विकेट खेला है। गेंदबाजों के लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर है विकेट में, रन संख्या 56। इस बार टॉप एज, विकेट कीपर ने कॉल दिया है और लपक लिया कैच। सुपर जेल होता लिलिया जेल, अगदी सहज रित्या कन्वर्ट केला गेला, सफलता मिळाली आहे, पाहिजे तसा जल्लोष तर पाहायला मिळालेला नाही आहे सर, पण सध्या तरी फोकस करतील ते मॅचवर, कारण धावसंख्या 50+ गेली आहे, धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती म्हणजे 5 चेंडूच्या समाप्तीनंतर, ती म्हणजे 54-54 सर या अंकावर धावफलक मात्र जाऊन पोहोचलाय। शेवटचा एक चेंडू आहे या येणाऱ्या शेवटच्या एक चेंडूवर सर भवितव्य ठरवलं झाली आहे सामन्याचं, की किती धावांचं आव्हान मिळतं। चला टॉससाठी आपण रेडी राहायचं, नेक्स्ट मॅच आपल्या भेटीला येते आहे, चार्ली स्पोर्ट्स विपक्षात जो एन इलेव्हन वो टीम्स आपण बी रेडी राहायचं आहे। या हे षटक संपलं रे संपलं की आपण नाणेफेकीसाठी बी रेडी राहायचं आहे। आखिरी गेंद सिक्सर लगेगा तो 60 रनों पर टीम पहुंचेगी, और वो मादा रखते हैं बल्लेबाज अमोल। डेथ ओवर्स में एक अच्छा विकल्प होता है, हालांकि अमोल नॉन स्ट्राइकर सेन पर है, नए बैट्समैन सुजीत आए हैं, सुजीत के पास है स्ट्राइक। प्ले एंड मिस, कोई रन नहीं आखिरी गेंद पर, तीन वाइड से शुरुआत हुई थी इस ओवर की, लेकिन अच्छा समापन किया है आरहम पटेल ने। तो इस तरह से पारी खत्म होती हुई, हर्षित इलेवन की कुल रन संख्या 56, 4 विकेट्स उन्होंने गवाए और 55 रनों की चुनौती इस मैच को जीतने के लिए 6 ओवर्स के खेल में जियान स्पोर्ट्स मापोली के सामने। तो अब तुरंत हम चलेंगे अगले मैच के टॉस की तरफ, जार्लिस स्पोर्ट्स बनाम चौहान स्पोर्ट्स, और
टॉस के लिए आपके साथ जुड़ जाएंगे हमारे साथी कमेंटेटर राकिब अंसारी, और जब खेल की शुरुआत होगी तो सिद्दीक भावे आपके साथ रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गहरत सर। आइए, ज़ार्लेस के कैप्टन दानियाल हमसे जुड़ चुके हैं, जोहान स्पोर्ट के कैप्टन वसीम। हमारे बीच में नितिन पाटिल साहब मौजूद हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा, प्लीज़ सर हम आपके शुभ हाथों से इस एक बड़े मैच का टॉस करने जा रहे हैं। नितिन पाटिल जी इस वक्त हमसे जुड़ रहे हैं। सबसे पहले दोनों ही टीमों के कैप्टन को टॉस बताना है। एक तरफ है जो हमेशा से ही क्रिकेट में चैलेंज पेश करती है, चैलेंज स्पोर्ट, और दूसरी तरफ है चुनौती भरा क्रिकेट चैलेंज ट्रॉफी 2023। जोहान स्पोर्ट का कॉल है चैलेंज स्पोर्ट, और इस वक्त टॉस को जीता है ज़ार्लेस स्पोर्ट ने। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन पाटिल सर, आपको हमारे वीआईपी मंच पर बैठना है। देखिए दानियाल, आपने टॉस को जीता है, क्या करने जा रहे हैं? बॉलिंग करेंगे। आपका पहला ही मैच है इस सीजन का, और आपने गेंदबाजी का फैसला किया है जबकि जोहान स्पोर्ट ने पिछला मैच अच्छे तरीके से चेस किया था, यही रीज़न है या फिर ज़ार्लेस की एक अपनी प्लानिंग? नहीं, एक अपनी प्लानिंग है, इंशाल्लाह अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। देखिए अगर मैं बात आपकी टीम में, तो फैसल अंसारी पिछले साल जुड़े, बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, उनके अलावा और कौन से गेंदबाज हैं जिनसे उम्मीदें रहेगी ज़ार्लेस स्पोर्ट को? मुकेश है, अच्छे अच्छे बॉलर हैं, इंशाल्लाह अच्छा करेंगे सब। बहुत बहुत शुक्रिया, ये थे दानियाल। आइए लौट चलते हैं वसीम की तरफ, पहला मैच जीत कर आ रहे हैं वसीम, क्या उम्मीदें हैं टीम से? इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि सेकंड मैच भी हम लोग जीत जाए। अगर आप टॉस जीतते तो क्या करते? फील्डिंग ही करता। देखिए अब बल्लेबाजी मिली है, मुशफिक ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला, लेकिन कहीं ना कहीं बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा लड़खड़ाया था, तो टीम के कैप्टन की क्या रणनीति रहेगी इस बड़े मैच में? जो बैट्समैन मेरे पहले से प्लानिंग में है, वही बैट्समैन को और अच्छे से रोल अदा करना पड़ेगा, और इंशाल्लाह इस मैच में देखने के लिए भी मिलेगा वो चीज़ें। बहुत बहुत शुक्रिया, ये थे वसीम। न्यूज़ फ्रॉम दी टॉस बॉक्स, ज़ार्लेस स्पोर्ट विन द टॉस, इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट, बैक टू द कॉमेंट्री बॉक्स। शुक्रिया राकिब अंसारी। आप देख रहे हैं चुनौती भरा क्रिकेट, और चुनौती को स्वीकार करने के लिए इससे अच्छा स्लोगन आपको सारी दुनिया में नहीं मिलेगा। कैलाशवासी आर.आर. पाटिल जब दुनिया में भी थे तो उनकी यही तालीम थी, दुनिया से चले गए सबको कहकर गो आइट, चुनौतियों को स्वीकार करो, चैलेंज को एक्सेप्ट करो, जिंदगी हो, क्रिकेट हो, बिजनेस हो या फिर अपने पर्सनल लाइफ हो, सब चुनौतियां एक्सेप्ट करके अगर आपको बढ़ना आगे तो गो आइट पे जाइए। ये वो बैनर जो एक लिहाज से लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गए। नितिन पाटिल साहब माजी नगर सेवक भिवंडी निज़ामपुर महानगर पालिका के, हमारे बीच में अशोक पाटिल हैं, केतन हैं, त्रिमूर्ति गायकर हैं, साथ ही साथ भावेश बजागे हैं, और मयूर पाटिल फेस ऑफ भिवंडी हमारे साथ हैं, एडवोकेट मयूरेश पाटिल हैं, राजू उर्फ ब्रेटली। ये देखिए जर्नी टू क्वालिफाई फॉर प्रतिभा विलास एवन ट्रॉफी कमिंग सून, भारत का एवन शो दस्तक दे रहा है। क्रिकेट की शुरुआत ही यहाँ से हुई और सारी दुनिया में क्रिकेट ही यहाँ से पहुँचा। खेल की शुरुआत लक्ष्य है 55। मेरे साथ जुड़ चुके हैं राकिब, सिटी इमर्जिंग क्रिकेट का बहुत अच्छा अनुभव है उनके पास, गेंदबाजी में दर्शन को लगाया गया है। ऑनलाइन हमसे जुड़ चुके हैं संदेश पाटिल भिवंडीकर, हमारे साथी कमेंटेटर, आपका भी स्वागत है। फील्ड की जमावट, तीन खिलाड़ी घेरे में, मिड ऑफ, शॉर्ट थर्ड मैन और शॉर्ट वाइड इच फाइन लेग।
दर्शन। पहली गेंद बैकफुट पे गए, बहुत खूबसूरत स्क्वायर कट, गेंद जा रही है इस वक्त बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर, चार रन। क्रिकेट का सबसे क्लासिकल शॉट, जगह दी थी वहां पे, बैकफुट पे चले गए, बहुत खूबसूरत स्क्वायर कट। जियान ने स्पोर्ट मापोली को दो रन का पेनल्टी दिया जा रहा है, बारवा खिलाड़ी नहीं है, अगर ओवर खत्म होने तक नहीं आया तो और दो रन का पेनल्टी। अब टारगेट रहेगा 57। फुल टॉस गेंद, स्विंग किया ऑन साइड में, एक रन आता हुआ। जियान के कैप्टन ने सुने दो रन का पेनल्टी मिला है, ओवर समाप्ति तक नहीं आया तो दो का और। आप चैलेंज पे क्रिकेट खेल रहे हैं, आप चैलेंज ट्रॉफी खेल रहे हैं। स्कोर है 5 रन। अब देखना है कि दो रन पेनल्टी के कितने महंगे पड़ते हैं। दर्शन ऑफ स्टंप के बाहर पीछा किया गेंद का, हालांकि बेहतरीन तरीके से खेला, कवर पॉइंट पे एक रन। एक रन से सैफ ने अपना खाता खोला, कुल स्कोर जियान स्पोर्ट मापोली का पहुंचा है 6 रन बिना किसी विकेट के, लक्ष्य है 57 रनों का। राकिब पेनल्टी महंगी पड़ सकती इस तरह के मैचेस में। बैकफुट पे गए, फिर पंच किया है, पीछे खिलाड़ी हैं, शॉट में नहीं है दम, रन मिलेंगे कम। एक रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन बिना किसी विकेट के। बिल्कुल भाभे सर, आपने जो 2 रन की बात कही, इससे पहले मापोली की एक टीम थी जब तकवीम आजमी स्पोर्ट के सामने उनको 2 रनों का पेनल्टी लगा था ड्रेस के कारण, और वो मुकाबला भी 2 रन से ही आ रहे थे परशुराम टावरे स्टेडियम पर। क्या बात है, सिटी इमर्जिंग का लेखा जोखा राकिब अंसारी के पास। ओ माय गॉड, व्हाट अ शॉट, शॉट ऑफ डे, इससे बढ़कर शॉट हो नहीं सकता है। स्विच इट खेला है और वो भी स्विट। गेंद सीधी आशा पाटिल गैलरी में जाती हुई, 6 रन। बिल्कुल क्या गजब का स्ट्रोक खेला वहां पर भावे सर, बल्लेबाज ने पहले ही मन मना लिया था, ये देखिए पैरों को पूरा अलग किया और सीधा गेंद जब टकराई बल्ले से तो 6 रन के लिए। सैफ कुरेशी के बल्ले से ये सिक्सर आया है, स्कोर उछलता हुआ पहुंचा है 13 पर। देखिए टीम में भावेश मात्रे एक ऐसे गेंदबाज हैं इस मरतबा घूम के मारा है, गेंद जा रही है आउट ऑफ पार्क, 6 रन। ऐसा लग रहा है कि सैफ कुरेशी घर से सेट होके आए हैं। एक ओवर की समाप्ति, धमाकेदार रिप्लाई, फ्लाइंग रिप्लाई जिसे कहते हैं, 19 रन। ये देख सकते हैं आप क्या बढ़िया शॉट, बहुत जल्दी गेंद की लेंथ को पढ़ लिया था। बिल्कुल भाभे सर, वहां पर टिट फॉर टैट जैसे को तैसा ताबड़तोड़ अफलातून शुरुआत की इस वक्त सैफ कुरैशी ने, बिल्कुल सेफ नहीं होने देंगे इस वक्त हर्षित इलेवन को। हर्षित इलेवन के पास गेंदबाजी क्रम काफ़ी अच्छा है, लेकिन पहले ओवर में टूट कर बरसे अभी किस पर, दर्शन जो कि पिछले मैच के हीरो रहे थे, जिन्होंने 3 विकेट हासिल किया था अपने 2 ओवर के स्पेल में, इस बार पहले ही ओवर में 19 रन लुटा दिए उन्होंने, बहुत महंगा ओवर। देखिए दुनियाई क्रिकेट में जिन खिलाड़ियों ने नाम कमाया उनका जो परफॉर्मेंस जो मुस्तकिल रहा उसमें मोमेंटम को हमेशा रखा। विराट कोहली की मिसाल लीजिए, 50 शतक, 49 पे सचिन तेंदुलकर, उनसे आधे ओडीआई खेले, लेकिन सचिन तेंदुलकर का अपना क्लास है, विराट का अपना क्लास है, उसके बाद भी नंबर 3 पे ही भारतीय 31 रोहित शर्मा। इस बार फिर से थोड़ा सा इम्प्रोवाइजिंग स्ट्रोक खेलने की कोशिश वहां पर, लेकिन सफलता नहीं, डॉट बॉल। भावेश मात्रे के ओवर का अच्छा आगाज, 30 पे रिकी पॉइंटिंग और 28 पे सनत जयसूर्या। बिल्कुल भावे सर, काफी जबरदस्त क्रिकेट रहा है। अगर हम इंडिया टीम की बात करें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, तो पिछले 10 सालों से बोलबाला है। इसी बीच अच्छी गेंद, लोअर फुल टॉस, उसे खेल दिया है
डीप मिड विकेट की दिशा में, वहाँ पर फील्डर मौजूद हैं, एक ही रन आता हुआ, एक से ज़्यादा कुछ भी नहीं, और स्कोर आगे खींच सकता हुआ 20 रनों पे पहुँचा है। ये गेंदबाज है जो मैच तब्दील कर सकता है, भावेश मात्रे कमाल की बॉलिंग करते हैं, गजब की रफ्तार है इनके पास भावेश मात्रे। बिल्कुल भावेश सर, भावेश मात्रे काफ़ी अच्छी रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे हैं, देखने क्या रफ्तार से कर पाएंगे गिरफ्तार। और अब स्ट्राइक पर आ गए हैं सैफ कुरैशी, इस बार ओ गजब की गेंद, गुड लेंथ, पढ़ने के बाद काफी तेजी से निकली, प्ले एंड मिस, डॉट बॉल। बहुत खूबसूरत गेंद, हार्ड लेंथ थी। अजय अगर मैं मिस नहीं हो रहा तो भावेश मात्रे का जो बॉलिंग एक्शन है न्यूजीलैंड के शेन बॉन्ड से मिलता जुलता है। एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार काफी आगे रखा था उसे, खेल दिया, काफी स्टेटिश खेला है, दूर से आ रही है फील्डर, वहां पर थोड़ा सा फंबल, देखना है वहां पर हो जाएंगे दो रन मुकम्मल, दो की मदद से टोटल स्कोर है 22-22। सैफ कुरैशी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, भावेश मात्रे ने इस ओवर में अब तक सिर्फ 3 रन दिए। बिल्कुल 4 गेंदों में सिर्फ 3 रन खर्च किए, जहां पहले ओवर में 19 बन गए थे, तो वापसी करा रहे हैं कहीं ना कहीं भावेश मात्रे अपनी टीम को अभी भी। लेकिन सैफ कुरैशी स्ट्राइक में रहे, इस बार बहुत तेजी से बल्ला चलाया था लेकिन टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं, डीप मिड विकेट की तरफ गई थी गेंद, एक ही रन आता हुआ। देखिए भावेश सर, ये जियान स्पोर्ट महापोली ये एक और नई टीम है सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में, पहला ही मैच खेल रही है और अभी क्या तीखे तेवर इनके देखने को मिले हैं। अभी तक का परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि भावेश मात्रे की ये जो 7 गेंदे इस मैच के लिए निर्णायक रहेंगी। बिल्कुल काफ़ी कुछ निर्भर करेगा भावेश मात्रे पर। इस बार खूबसूरत कट स्ट्रोक, गेंद जा रही है सीधा डीप पॉइंट की तरफ पर, वहाँ पर फील्डर मौजूद है, एक ही रन आता हुआ, एक से ज़्यादा कुछ भी नहीं, दो ओवर का खेल हुआ खत्म, कुल रन बने हैं 24-24 बिना किसी नुकसान के। शुरुआत हम लेकिन अच्छी कह सकते हैं भावेश सर इस वक्त जियान स्पोर्ट महापोली की, क्योंकि यस आई थिंक एक्सलेंट पोजीशन ऑफ जियान स्पोर्ट महापोली बिकॉज वेरी सॉलिड, दे आर सो फार 10 विकेट्स इन देयर एंड एंड ऑफ द सेकंड ओवर एग्जैक्टली 24 फॉर 9 विकेट, दो ओवर की समाप्ति रन बने 24। यहां से आसिफ रंगरेज बता रहे हैं कितने रन चाहिए बचे हुए 4 ओवर में, 33 रन, जो आस्किंग रन रेट है 8.25। बैक टू क्रिकेट नाउ, इज गोइंग टू बी चेंज इन बॉलिंग नाउ, जयेश ब्रॉट इन टू द अटैक, फेसिंग इन बैट्समैन उमर टर्न फ्रॉम आशा पाटिल नॉर्थ ईस्ट एंड, बोस्ट उमर दिस टाइम टर्निंग ऑन द ऑन साइड स्ट्रेट टू फील्डर, इनफ टाइम बैट्समैन गेट्स वन, नो बॉल सिग्नल फ्रॉम अंपायर, यस 1+1, 2-2 स्कोर नाउ एंड फ्री एंड स्कोर वाज अप टू 26 फॉर नो विकेट, जियान स्पोर्ट मापोली, लुक एट दैट आसिफ नंबर 17, एजाज शेख स्पॉन्सर, ब्यूटीफुल कलर ब्लू ड्रेस, डार्क ब्लू लुक लाइक एन श्रीलंकन टीम ड्रेसेस, दिस टाइम है साढ़े नाइन, दिस इज अ मैसिव, व्हाट अ मैग्निफिसेंट स्ट्रोक इंडीड, 6 रन्स। बिल्कुल भावेश सर, फिर से हमें कहना होगा जस्ट लुकिंग अ वाव, फ्री हिट और क्या गजब का स्ट्रोक लगाया वहां पर सैफ कुरैशी ने, मानो घर से सेट होकर आए हैं और एक के बाद एक बड़े स्ट्रोक इतनी आसानी से लगा रहे हैं जैसे मक्खन। देखिए गेंद पत्रे पे जाके गिरी है, पत्रा बजाओ शॉट खेला है, 6 मोर टू टोटल नाउ, आसिफ कुरैशी लुकिंग इन गुड टच, जयेश बस्तो कुरैशी, अनदर माइटी ब्लो, देयर इज द फील्डर एट वाइडी स्मिथ विकेट एंड फाइनली बैट्समैन आसिफ कुरैशी ऑन हिज वे, सैफ ऑन हिज वे, सैफ कुरैशी इज आउट फॉर 22 एंड जियान स्पोर्ट यू कैन सी देयर अराउंड द ऑफ स्टंप स्वंग डैस बॉल हाई इन द एयर इन फ्रंट ऑफ प्रियांशी स्टूडियो, वेल टेकन बाय द फील्डर।
बिल्कुल भाभी सर, जब गेंद बल्ले से टकराई तो आवाज़ बहुत अच्छी आई, ऐसा लगा कि ये भी काफ़ी दूर जाएगी, लेकिन गेंद काफ़ी ज़्यादा ऊँची गई, दूरी नहीं मिली वहाँ पर। बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा प्रिंसी स्टूडियो के सामने फील्डर ने और पहला झटका लगा इस वक्त ज़ियान स्पोर्ट मापोली को। बट आई थिंक ज़ियान स्पोर्ट मापोली इन कमांडिंग पोजिशन नाउ, थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस 32 फॉर द लॉस ऑफ वन विकेट, फ्रॉम हियर 25 नीडिंग टू विक्ट्री। न्यू बैट्समैन अरहम पटेल, सन ऑफ द एक्स क्रिकेटर नौशाद पटेल सन, मापोली इज द फेमस एरिया ऑफ क्रिकेट। चैश टर्न फ्रॉम आशा पाटिल नॉर्थ ईस्ट एंड, हियर ही गो, दिस टाइम गोज इज बैक फुट, फोर्स डैश बॉल इन द एयर, oh fine effort but put down, very lucky for Aram Patel, dropped by the long on fielder, two more to total, now his score was up to 34 for the loss of one wicket. बिल्कुल भाभी सर, वहां पर कहना होगा कैच छूटा, गेंदबाज का दिल टूटा और बल्लेबाज ने दो रन भी लूटा, दो की मदद से वहां पर अपना खाता खोल लिया अरहम पटेल ने। चैश फेसिंग हिम अरहम पटेल, दिस टाइम पुल्स इट वंस मोर इन द एयर, दिस टाइम नो मिस्टेक, व्हाट अ, वी वेट फॉर अंपायर सिग्नल, वी वेट फॉर अंपायर सिग्नल, अंपायर कॉल फॉर द थर्ड आई, देखना चाहेंगे क्या ये कैच हुआ है कि नहीं, हुआ होगा तो अब तक चैलेंज ट्रॉफी का सबसे अच्छा कैच। तीसरे अंपायर देखने, अंपायर गणेश है, क्या गेंद पहले जमीन पे लगी, दिस इज द वंडरफुल टेलीकास्ट कम्स टू यू फ्रॉम किंग ऑफ टेलीकास्ट प्रिंस मूवीज, यू कैन सी देयर अ क्लीन एंड नीट टेलीकास्ट इन अल्ट्रा स्लो मोशन। फिर से दिखाने की मांग की है, एक बार फिर से दिखाए टेलीकास्ट टीम, हालांकि एफर्ट बहुत अच्छा था वहां पे, पिछली गेंद पे कैच छूटा था और अरहम पटेल भी जुनूनी क्रिकेट खेल रहे, वहीं उड़ा रहे गेंदों को, ये देखिए जूमिंग करके एक्सलेंट। थोड़ा यहां लाके रोकना है, हमारे बीच हमेशा मुस्कुराने वाले अजय पाटिल साहब का आगमन हो चुका है, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। नट आउट, दूसरे एंगल से साफ दिखाया गया, देखिए कितनी बारीकी है, ये एंगल से ऐसा लग रहा था कि जूते पे गेंद लग रही, दूसरे एंगल से दिखाया गया, ये देखिए ग्राउंड को टच हुई उसके बाद गेंद हाथ में गई, कितने रन भागे बैट्समैन, एक रन, कुल मिलाकर स्कोर 35। चैश सामना करेंगे बैट्समैन उमर, फील्ड की जमावट शॉर्ट थर्ड में एक बैकवर्ड स्क्वायर लेके, एक शॉर्ट वाइडिश फाइन लेके, एक ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट है, एक वाइडिश है,
स्विंग कर दिया है, गैप में गेंद ट्रैवल हो रही है, बहुत बढ़िया फील्डिंग, पूर्व अनुमान के साथ पहुंचे थे वहां पर वाइट स्मिथ विकेट से खिलाड़ी 36 रन। अभी अभी हमारे बीच अजय पाटिल साहब पहुंच चुके हैं, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। मेगा इवेंट में अजय पाटिल सर हमेशा प्रियांशी स्टेडियम में हम लोगों के साथ रहते हैं। प्रतिभा विलास इवेंट ट्रॉफी दस्तक दे रही है, कमिंग सून। स्मर्ताबाद चरण में गेंद थी, बल्ले की जर से खदेरा गेंद को आउट, ऑन साइड में एक रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 37 रन एक विकेट। तीन ओवर की समाप्ति, 37 रन एक विकेट, बचे हुए तीन ओवर में यहां से जीतने के लिए जो रन है वो है 20। बिल्कुल भाभी सर, तीन ओवर में जीत के लिए 20 रन चाहिए। देखिए, देखने में तो आसान लग रहा होगा लेकिन ये क्रिकेट है। ये क्रिकेट है, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है सर, और यहाँ प्रेडिक्शन सभी की फेल है। तीन ओवर में 20 रन है, इस वक्त ड्रिंक्स ब्रेक लिया गया है, देखना है। मैं अक्सर कहता हूँ पानी पीना तो एक बहाना है, आपस में कोई रणनीति बनाना है। क्रिकेट खेली ऐसा है जिसका चार्म कभी भी कम नहीं होता है। भले से आपको ये कोइंसिडेंस बताया था कि 2019 के वर्ल्ड कप का भी टारगेट 241 था और 23 का भी, एक कोइंसिडेंस है कि एलेक स्टीवर्ट इंग्लैंड के पूर्व विकेट कीपर कैप्टन रहे, उनका जन्मदिन है 8 अप्रैल 8/4/1963। जब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया तो उनके रनों की तादाद भी थी 8,463। क्या बात है, ये सिद्दीक भाभे सर का क्लास है, सब कुछ इनको बखूबी कट टू कट पता होता है, चाहे टेनिस क्रिकेट हो या फिर लेदर क्रिकेट या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट, इसीलिए तो इन्हें वॉइस ऑफ ठाणे डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। अपने आप में ये एक करिश्मा है। कुल स्कोर इस वक्त 37-37, जीत के लिए यहाँ से रन चाहिए 20, गेंदें बची 18। भावेश मात्रे, आपने तीन ओवर के लिए जो समय लिया है वो 16 मिनट का। बिल्कुल, तो अभी तक टाइम पर चल रही है। इस वक्त बात करें हम तो हर्षित 11 इस साल अपने नाम को बदलाए, देखना है क्या किस्मत भी इनकी बदलेगी इस सीजन में। लास्ट ईयर कोई सेमीफाइनल नहीं खेल पाई थी ये टीम, इस सीजन पहला ही टूर्नामेंट है और एक नई टीम इनके सामने आ गई और कड़ी चुनौती लेकर आई है, जियान स्पोर्ट महापोली। टीम नहीं है लेकिन क्रिकेट काफी इनका तीखा नजर आ रहा है। पहली गेंद वहां पर शफल होकर उसे खेल दिया है कॉ कॉर्नर की तरफ, वहां पर फील्डर मौजूद है, एक रन आता हुआ, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं, स्कोर आगे खींच सकता हुआ 38 रनों पे पहुंचे 38। कहीं ना कहीं हर्षित इंटरप्राइजेस को अब विकेट लेना होगी क्योंकि धीरे धीरे मैच हाथ से सरक रहा है। बिल्कुल, कहते हैं ना भाभी सर, मुट्ठी से रेत सरकती हुई। इस बार इम्प्रोवाइजिंग स्ट्रोक खेलने गए, उतने अच्छे से कनेक्शन नहीं हुआ है, खेलना चाहते थे, कहीं गेंद गई, कहीं मिस कम्युनिकेशन, देखना है रन आउट और कौन हुआ है। अजीबो गरीब शॉट, इस शॉट को हम वाशी काशी शॉट भी कह सकते हैं, जाना चाहते थे वाशी, पहुंच गए काशी। पल्लू स्ट्रोक खेलना चाहता सुपला, लेकिन बल्ले का मुंह जल्दी बंद कर दिया था वहां पर। आप देख रहे हैं चुनौती भरा क्रिकेट, चैलेंज ट्रॉफी 2023 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का दूसरा दिन है और सिटी इमर्जिंग क्रिकेट का आप चस्का देख रहे हैं, देखना ना भूलिए ग्रामीण क्रिकेट का तड़का। दिगंबर जा रहे हैं बल्लेबाजी के लिए, देखने दिगंबर, आई थिंक दिगंबर पाटिल है ये। देखना अब दिगंबर किस तरह बल्लेबाजी करेंगे, नंबर 4 पर आए हैं बल्लेबाजी के लिए, टीम की पोजीशन तो अच्छी है, यहाँ से सिर्फ स्कोर बोर्ड को चलाना है। देखिए आसिफ रंगरेज बता रहे हैं कि सुबह से कोई भी टीम ऐसी नहीं जिसने 60 रन छुए हो, आज गेंदबाजों का दिन है। बिल्कुल, कल तो एक से बढ़कर एक हमें बन रन फेस्टिवल देखने को मिले, दो हैट्रिक विकेट भी आज हुआ है।
सिबीच अगली गेंद वहां पर देखने काफी ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर, अंपायर फारूक बड्डी सर का इशारा वाइड बॉल, वाइड की मदद से स्कोर अब जाकर 40 रनों पे पहुंचा है 40। अब यहां से जीत के लिए रन चाहिए 17। देखने ये 17 किसके लिए साबित होने वाला है खतरा, और भावे सर की जुबानी क्या कोई बल्लेबाज बजाएगा पत्रा। इस बार फिर से जाने दिया बल्लेबाज ने, एक और वाइड बॉल, ज्यादा रफ्तार की है निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि रफ्तार उनके पास तो बहुत अच्छी है भावेश मात्रे, लेकिन जो लाइन है वो कहीं ना कहीं खराब। देखिए दिल गलती कर बैठे तो कफारा है, लेकिन गेंदबाज गलती कर बैठे तो खसारा है। बिल्कुल, और गेंदबाज इस वक्त गलती कर रहे हैं। इस बार हल्के हाथों से खेला है, वहां पर एक रन को चुरा लिया है बल्लेबाज ने, स्ट्राइक को रोटेट किया, वहां पर दिगंबर ने अपना खाता खोला है, टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया है 42। जी बिल्कुल भावे सर, कफारा एक उर्दू वर्ड है। जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ, अब यहां से जीत के लिए रन चाहिए 15-15। अभी भी 8 विकेट खाते में मौजूद है इस वक्त ज़ियान स्पोर्ट महापोली के, तो कहीं ना कहीं फेवरेट नजर आ रही है वो। इस बार फिर से अच्छी गेंद भावेश मात्रे की, उतने अच्छे तरीके से नहीं खेल पाए बल्लेबाज। देखिए भारत देश में जिस तरह गंगा जमुना का मिलन है, गंगा जमुना तहजीब का मिलन है, हिंदू मुस्लिम एकता का मिलन है, उसी तरह हिंदी और उर्दू लैंग्वेज का बहुत अच्छा मिश्रण मिलन है। तेरी नज़र अशरफी वो पूरा गाना एक मिसरा हिंदी है तो एक मिसरा उर्दू है। इस बार नो बॉल, ये देखिए बाबे सर कहते हैं ना कि अपने हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारना, पैर ही कुल्हाड़ी पे दे मारे गेंदबाज। बिल्कुल, गरीबी में आटा गीला कर दिया है वहां पर भावेश मात्रे, जो कि ट्रम्प कार्ड गेंदबाज थे उन्हीं से गलतियां हो रही। फ्री हिट गेंद लेकर इस बार अपने आप को रूम देकर बड़ा स्ट्रोक खेलने की वहां पर कोशिश की बल्लेबाज ने, उतना अच्छा कनेक्शन तो नहीं हुआ है, लेकिन नतीजा वही मिला जो वो चाहते थे। कह सकते हैं हम इम्प्रोवाइज कंट्रोल हुक शॉट, क्योंकि उनको पता था पीछे कोई नहीं है, फाइनल एक ऊपर खड़ा है और आप लेग स्टंप पे गेंद नहीं कर सकते। 48 पे पहुंचा स्कोर, यहां से 12 रन और 9 रन और चाहिए। लोअर फुल टॉस गेंद हवा में है, लेकिन फील्डर तक नहीं पहुंच पाएगी। एक रन बना वहां पर, डीप से आए थे फील्डर तुषार, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं, सिंगल की मदद से टोटल रन हो चुका है 49। बल्लेबाजी की है बहुत ही फाइन अभी तक बल्लेबाजों ने, जीत के लिए यहां से सिर्फ भावे सर रन चाहिए 8 रन्स। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दबाव अब बिल्कुल बन चुका है इस वक्त हर्षित 11 पर। यस, गेंद बदलने की मांग की है, यहां पर 8 रन चाहिए। बात उर्दू और हिंदी के मिलन की, रब जो पोशीदा है उसको निहारे तू, पोशीदा उर्दू लफ्ज है छुपा हुआ, निहारे हिंदी लफ्ज है किसी पे कुर्बान होना, और जो गर्विदा है उसको टाले तू, गर्विदा किसी पे जान छिड़कने को कहते हैं उर्दू में, और टाले हिंदी का कल्टी के लिए। लेकिन तेरी नज़र अशरफी, यानी तेरी नज़र सोने वाली अशरफी है, नैना मदक बर्फी हिंदी है, नैना मदक बोलते हैं, मदक बोलते हैं शराब को, यानी तेरी आंखें शराबी बर्फी है। तो ये जो मिश्रण है वो बहुत कम देखने को मिलता है। आज अजय गरत बहुत मुस्कुरा रहे हैं, मैं अक्सर कहता हूँ कि एक तरफा प्यार और एक तरफा हार दुनिया में किसी को पसंद नहीं। एक बार मुझे उन्होंने टोक ही लिया कि आजकल वहीं चला है, तो मैंने कहा एक्सपीरियंस अब आपके पास है। स्विंग कर दिया है, भिंगड़ी शॉट है, 6 रन कड़क और बेधड़क। बिल्कुल, पत्रा बजाओ सिक्सर, भावे सर गजब का हिट लगाया वहां पर दिगंबर पाटिल ने, बताते हुए कि इनसे काबिल कोई नहीं है, क्या स्ट्रोक लगाया है, पूरी ताकत को झोंक दिया ऑफ स्टंप के बाहर जाकर 6 रन। फिर से लंबा हिट लेने की कोशिश, गेंद शरीर पे लगी गली में गई, एक रन आता हुआ, अंपायर का इशारा क्या आता है देखने है, बल्ले से लगने के बाद गेंद गई थी, अब केवल जियान को एक रन चाहिए।
जियान स्पोर्ट मापोली, एक रन चाहिए, जीत की सुगंध इस वक्त लग चुकी, खेल दिया है। ये देखिए, इससे अच्छा एक्सपीरियंस क्या होगा, एक रन चाहता था छक्का मारने में, मैच जिताने गए। क्या ये आपको लगता है कि सिक्स मार के मैच जीता, यहाँ तो कोई पॉइंट्स मिलने नहीं वाले? बिल्कुल भाभी सर, ये हो सकता है, जब आप गांव में जाएंगे दोस्तों में कह सकते हैं कि मैंने सिक्सर मार के मैच जीता है। बिल्कुल, ये अक्सर ये कारनामा जो किया जाता है, एक पर्सनल कॉन्फिडेंस के लिए ये गलती की थी। एक बार बांग्लादेश ने इंडिया के सामने T20 वर्ल्ड कप में 3 गेंदों में 1 रन चाहिए थे, 2 रन माफ कीजिएगा, 2 बल्लेबाज सिक्सर लगाने गए, महमूदुल्ला और मुशफिकुर रहीम आउट हुए कैच आखिरी गेंद में, फिर 2 रन चाहिए थे और वो धोनी का कमाल का रन आउट। धोनी की बात ही अलग है, अनहोनी को होनी करना हो तो फिर धोनी ही चाहिए। और एक रन के लिए बड़ा शॉट खेल के आउट हुए उमेर, देखना है कि नए बैट्समैन क्या करते हैं। कौन आए? यासिर। इन्होंने भी शॉट खेला, ये भी आउट। इसे कहते हैं लैक ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव की, तजर्बे की कमी है जियान स्पोर्ट मापोली में। देखिए माबे सर, मैंने पहले बताया पहला मैच खेल रही है तो थोड़ा सा तो नजर आएगा। कैच देखिए, वन हैंडेड एक्सलेंट। देखिए अनुमान आपका अच्छा चाहिए, इस तरह के कैचेस जो रहते हैं वह हाथों में चिपक जाते हैं, बैठ जाते हैं। अनुमान बहुत अच्छा, जयेश का विकेट कितने गिरे? 4, अभी भी बहुत विकेट बाकी हैं। एक रन चाहिए, एक रन ने नाक में दम कर रखा है जियान स्पोर्ट्स के नए बैट्समैन पापा शेख आए हैं, पापा शेख नए बैट्समैन, अक्सर ओपन करते हैं, इस वक्त लेट ऑर्डर में आए, इनको समझ थी। इन्होंने छोटी बैकलिफ से मैच को जीता दिया। कॉन्ग्रेचुलेशन जियान स्पोर्ट्स मापोली एंड हार्ड लक हर्षित, हार्ड लक भावेश मात्रे। आइए पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की ओर हम बढ़ रहे हैं। आइए दोस्तों, पोस्ट मैच